नमस्कार। मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 31 लेकर आ गया हूं जी। 31 बेटे, ये क्वेश्चन आपके सीएस प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर बेटे 102 में दिया हुआ है। आइए हम लेक्चर 31 को देख लें। सीएस प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन 5 पेज नंबर 102। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है जी, मैं लिख रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं, मैं भी दिखा भी दूंगा। डिस्क्राइब द लॉजिक अंडरलाइन द यूज ऑफ टारगेट वेट्स टू कैलकुलेट। बेटे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल KW एंड क्वेश्चन है बेटे, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, मतलब आप कंपेयर करें और बताएं दिस अप्रोच विद द यूज ऑफ हिस्टोरिकल वेट्स। व्हाट इज प्रेफर्ड स्कीम, बेटे ये भी पूछा हुआ है, व्हाट इज प्रेफर्ड स्कीम। चलो जी, चलो दोस्तों, सीएस प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन 5 पेज 102 बेटे, ये क्वेश्चन एक्चुअली में फाइनेंशियल डिसीजन से पूछा हुआ है। मैंने फाइनेंशियल डिसीजन में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया था, मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स में आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम। तो मैं शुरू करता हूं जी, आप रजिस्टर ओपन कर लें प्लीज। और बेटे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बुक 1 ओपन कर लें मेरे बच्चे। आइए जी, थोड़ी सी भगवान का नाम सुन लें। आओ बेटे, बेटे बड़ा ही मन खुश होता है भगवान का नाम सुन के कोई भी काम करने से। आइए, मैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बुक चाहता हूं कि आप ओपन कर लें बेटे। उसमें 22 नंबर पेज नंबर है जी, पेज नंबर 234 294 है जी, क्वेश्चन नंबर 22। मैंने बेटे इसके फॉन्ट भी बड़े कर दिए,
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेट्स आर देयर व्हाइल यूजिंग एस्टिमेटिंग वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और मैंने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट 100 times, 100 times. अब ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अपनी बुक में दिया है, प्रैक्टिस मैनुअल में भी है. मैं अब समझा रहा हूं, आप पहले ध्यान से सुन ली, समझ ली, उसके बाद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा. आइए जी, आइए आइए मेरे बेटे, आइए मैं शुरू करता हूं जी अपनी डिस्कशन. बेटे मैंने एक चैप्टर बताया था जिसका नाम था फाइनेंशियल डिसीजंस, और इस फाइनेंशियल डिसीजंस में मैंने कहा था जी ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स. ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स को निकालना इज द ऑब्जेक्टिव. और बेटे इसके कुछ फीचर्स हैं ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स के. एक फीचर है दिस शुड हैव मिनिमम वेटेड कॉस्ट, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बेटे KW मिनिमम होना चाहिए. तो मैं फाइनेंशियल डिसीजन में आपको यही बताने जा रहा हूं कि बेटे वेटेड कॉस्ट क्या होती है. मैंने कहा जी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम कॉस्ट और रिटर्न टू बी अर्न. इट इज अ मिनिमम कॉस्ट और रिटर्न, रिटर्न ज्यादा बेटर है बेटे. इट इज अ मिनिमम रिटर्न टू बी अर्न ऑन द प्रोजेक्ट, ऑन द प्रोजेक्ट टू पे, टू पे WACC, दैट इज KW. और बेटे KW कैसे निकालते थे, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W. बेटे W क्या होता है, वेट्स. बेटे रजिस्टर में लिखें, बेटे X क्या होता है, इंडिविजुअल 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 कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बेटे बेटे इंडिविजुअल सोर्सेस की कॉस्ट, डिबेंचर्स की कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटे उसको हम कहते हैं एक्स. सवाल ये आता है कि वेट्स क्या होते हैं और एक्स क्या होता है. बिल्कुल बताऊंगा बेटे, एक्स का मतलब है कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस, इंडिविजुअल सोर्सेस की कॉस्ट. जैसे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स बेटे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. बेटे इसको कैसे लिखते हैं, ये ऐसे सिंबल्स हैं. मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप सीएस का पेपर देने जा रहे हैं, आप सीएमए का देने जाते हैं, आप सीए का देने जाते हैं, बेटे किसी भी इंस्टीट्यूट से दें तो वो कहते हैं जी आपके ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज 50% मार्क्स आने चाहिए. और बेटे एवरेज दो तरह से निकलती है, एक होती है सिंपल और एक होती है बेटे वेटेड. सिंपल एवरेज का मतलब यह है कि आपने जो पेपर दिए वो सारे 100-100 नंबर के ही थे, 100-100 मार्क्स के ही थे. बेटे मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक पेपर अगर 100 का है, दूसरा 50 का है, फिर तीसरा 100 का है, फिर एक 20 का है, एक 70 नंबर का है. तो बेटे आप ये बताएं, ये मैंने मार्क्स लिखे, ये मैंने मार्क्स लिखे, इसमें से नंबर आपके आए. बेटे अगर अगर सारे के सारे पेपर एक ही नंबर के हैं, 100-100 नंबर के हैं, तो बेटे आप सिंपल एवरेज निकालो या वेटेड एवरेज निकालो, ये तो स्टैटिस्टिक्स है, सेम आएगा. बट अगर आपका कोई पेपर 50 नंबर का है तो बेटे 50 में से मान लेते हैं 20 नंबर आए रामलाल के, इसमें से 70 आए, इस 20 में से 5 आए, तो बेटे यहां पर आप सिंपल एवरेज नहीं निकाल सकते,
आपको यहां पर वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। आप यहां ये चेक करेंगे कि ये 70 कितने में से आए, ये 20 कितने में से आए। बेटे इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक कंपनी ने 10 लाख रुपए रेज किए, 5 लाख रुपए इक्विटी से, 3 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से, 2 लाख रुपए डिबेंचर से। तो बेटे सबकी वेट्स अलग अलग है ना, सबके कॉस्ट अलग अलग है ना। तो आप ये समझ ले उस कंपनी को जो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी वो बेटे ऑन एन एवरेज वेटेड निकालनी पड़ेगी। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है। मैं कहता हूं जी 10 लाख रुपए एक कंपनी ने रेज किए जिसमें से 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटे, 3 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और बेटे 2 लाख रुपए डिबेंचर्स है। अब बेटे इसमें जो आप कॉस्ट पे करते हैं वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, और इसके ऊपर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स है। लेकिन आप इसकी सिंपल एवरेज नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि आपने जो कॉस्ट पे की है वो 5 लाख के ऊपर पे की है, यहां पर 3 के ऊपर है, यहां पर 2 के ऊपर है। तो इसकी वेटेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे मैं बता दूं। देखो बेटे मैंने एक फॉर्मेट बताया था आपको, जब मैंने आपको वेटेड कॉस्ट कराया था मैंने कहा था जी ये पहला कॉलम है सोर्सेस, फिर वेट्स, फिर कॉस्ट, फिर वेटेड कॉस्ट। मैंने एक कॉलम आफ्टर टैक्स का छोड़ दिया, कोई बात नहीं बेटे मैं आपको जो कंसेप्ट बताना चाहता हूं उसको ध्यान से देखिए। बेटे यहां पर मैंने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ये 10 लाख रुपए आपने रेज किए। मान लेते हैं ये के ई है 12% की, बेटे ये के डी है, के पी है 9% की, और ये के डी है 6% की। अब यहां पर तो मैंने 5 लाख रेस किए, तो 5/10, 3/10 और 2/10। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसका एक एग्जांपल देकर आएंगे जो मैं बता रहा हूं, और यहां पर आप बेटे आ जाएंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा डब्ल्यू एक्स। तो ये तो मैंने अभी तक नॉर्मल बात बताई कि आप को वेटेड कॉस्ट निकालना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू सिंपल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि बेटे वेट्स अलग अलग होते हैं, सभी कंपोनेंट्स के अलग अलग वेट्स होते हैं, तो आपको वेट्स उस तरह से निकालने चाहिए। मैं अब दूसरी बात ये कहने जा रहा हूं आपको, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कंपनी है बेटे, उसने पिछले 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 10 साल पहले 10 ईयर्स बैक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स इशू किए थे। मान लेते हैं 5 लाख रुपए जो मैंने अभी अभी लिया, 50,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, और बेटे आज प्रेफरेंस शेयर्स उसने उस जमाने में 30,000 3,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से, डिबेंचर उस जमाने में 2,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से। बेटे ये एक कंपनी ने आज से 10 साल पहले इश्यू किए थे, धीरे धीरे इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, इस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ने लगे। आप बताइए आज इस कंपनी का मार्केट प्राइस, मैं मान रहा हूं कि 115 रुपए हो गया मार्केट में, मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट द मार्केट प्राइस ऑफ दिस इज 115 रुपीज इन द मार्केट। मार्केट में 115 रुपए का ये प्राइस हो गया। आप बताइए आज 10 साल के बाद आप आज भी क्या वेट्स हिस्टोरिकल के बेसिस में निकालेंगे, वो गुजरा हुआ जमाना, या आज के बेसिस में निकालेंगे? आपके हिसाब से क्या लगता है ज्यादा बेटर वे क्या है, हिस्टोरिकल कैलकुलेट करना या मार्केट वैल्यू के बेसिस में कैलकुलेट? बेटे बिल्कुल मैं आपको ठीक बता रहा हूं, हिस्टोरिकल वे इज द बेस्ट वे, पहले जमाने में होता था बेटे, आजकल तो लेटेस्ट जमाना है,
नई बातें हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपको वेटेड कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट वैल्यू इज द बेस्ट वैल्यू। बेटे एक जमाना था, वो लकड़ी वाला था, वो आपको मैंने कहानी बताई थी, एक लकड़ी काटने वाला था, गांव में रहता था आज से 20 साल पहले। वो बड़ा गरीब था तो उसकी घर वाली ने लक्ष्मी जी के व्रत रखे, वीरवार के वीरवार, थर्सडे के थर्सडे। एक लास्ट व्रत था तो उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा, सुनो जी आज जल्दी आ जाना, हमने साथ में पूजा करनी है, आज लक्ष्मी जी के व्रत खत्म हो गए। तो लकड़ी काटने वाला जल्दबाजी में आ रहा था, उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी, आज से 20 साल पहले की बात है, वो कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई। रोने लगा बेटे, इतना रोया कि उस तालाब में जल परी रहती थी, वो बाहर आ गई, कहने लगी क्यों रोते हो, उसने सारी बात बता दी। वो जलपरी तालाब के अंदर गई, सोने की कुल्हाड़ी ले आई, उसने कहा क्या ये है तुम्हारी, उसने कहा ये नहीं है मेरी। फिर गई चांदी की ले आई, उसने कहा ये भी नहीं है मेरी। फिर गई लकड़ी की ले आई जो उसकी थी, उसने कहा हाँ यही है मेरी। बेटे उस जमाने में, ट्रेडिशनल जमाने में, हिस्टोरिकल जमाने में लोग शरीफ होते थे, ईमानदार होते थे। उस जलपरी ने खुश होकर उसको तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। समय बीता, उनके घर पैसा आ गया, पुत्र रत्न हुआ, पुत्र बड़ा हुआ। अब 20 साल बीत चुके, उसका विवाह हो गया, उसके घर पुत्र वधू आई। और बेटे वो घूंघट करती थी, बेटे गांव में रहती थी, बेटे पानी भरने गई, बेटे पानी में गिर गई, बेटे लड़का, उसका लड़का, लकड़ी काटने वाले का लड़का रोने लग गया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लकड़ी काटने वाला रो रहा था आज से 20 साल पहले। बेटे तालाब से फिर वही जलपरी बाहर आई, उसने कहा क्यों रोते हो, उसने कहा मेरी बीवी गिर गई। तो बेटे जब गई तो अचानक वो मलिका शरावत को ले आई, कहती क्या ये है तुम्हारी बीवी। उसका बेटा कहता हाँ यही है मेरी बीवी, यही है मेरी बीवी। बेटे जलपरी को पता था कि उसकी बीवी ये नहीं है, तो उसने सारी बात बोली कि तुम्हारे पिता ने तो सच बोला था, तुमने क्यों झूठ बोला। तो लकड़ी काटने वाले के बेटे ने कहा कि अगर मैं सच बोलता तो तुम फिर जाती, फिर दीपिका पादुकोण को ले आती, और फिर जाती, फिर किसी और को ले आती, और एक तो संभाली नहीं जाती, तुम तीन तीन मेरे हाथ में दे देती। तो बेटे आजकल मॉडर्न जमाना है, पहले ट्रेडिशनल था। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक कंपनी ने आज से 15-20 साल पहले अगर इक्विटी शेयर इशू किए थे, प्रेफरेंशियल इशू किए थे, डिवेंचर इशू किए थे, उस जमाने में रेट अलग था। आज अगर उसकी मार्केट प्राइस चेंज हो गई है तो आपको जो वेटेड कॉस्ट निकालनी चाहिए, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालनी चाहिए। मार्केट वैल्यू क्या, जैसे मैं आपके सामने रखूं बेटे, एक होती है बुक वैल्यू, जिसको हम हिस्टोरिकल वैल्यू भी कहते हैं, वो गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा है मुझको, वो ठंडी हवा के झोंके, मार्केट वैल्यू। मैं भूपेश आनंद आपके सामने ये कह रहा हूं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मान लेते हैं बेटे 1,00,000, नंबर ऑफ प्रेफरेंशियर्स मान लेते हैं 50,000 है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मान लेते हैं 20,000 है, और बेटे यहां पर मैं मान लेता हूं फेस वैल्यू, बुक वैल्यू इसकी 10 रुपए, इसकी 100 रुपए, इसकी 100 रुपए। बेटे लेकिन ये तो पहले जमाने की बात है ना, आजकल तो दुनिया बीत गई। आज की डेट में मार्केट वैल्यू की बात करें तो बेटे मार्केट वैल्यू इस कंपनी की हो चुकी है 50 रुपए, इसकी हो गई है 115 रुपए, इसका हो गया 90 रुपए। तो आप बेसिस, कौन से बेसिस पे वैल्यू निकालेंगे, सवाल ये आता है। एक मिनट देखिए, मैं एक मिनट ला रहा हूं।
आप बताइए जी, अगर मैं बुक वैल्यू के बेसिस पे लेता हूँ तो बेटे रेट्स किस तरह से होंगे जरा देखते हैं। बुक वैल्यूज के बेसिस पे अगर मैं करूं तो बेटे 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, सो दिस विल बी 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स, ये इक्विटी शेयर का हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 × 100, फिफ्टी लैक्स। एंड डिबेंचर्स 20,000 × 100, 20 लाख। तो अगर मैं बुक वैल्यूज के बेसिस पे कैलकुलेट करूं तो बेटे इस तरह से आएगा 1,50,000, 70,000, 71। तो 10 × 10/71, 50/71, 20/71। बट मैं आपसे ये कह रहा हूं, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, ये वे करेक्ट नहीं है अगर आप इसको बुक वैल्यूज के बेसिस पे करते हैं। सो दिस इज द हिस्टोरिकल वे, यू शुड डू ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लीज टेल मी, मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? बेटे मार्केट वैल्यू इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे मैंने अभी अभी आपके सामने एग्जाम्पल रखा, 1,00,000 × 50। आजकल का जमाना, वो गुजरा हुआ जमाना तो खत्म हो गया बेटे, 50। प्रेफरेंस शेयर्स 115 बेटे, प्रेफरेंस शेयर्स बेटे, प्रेफरेंस शेयर्स बेटे, प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स है बेटे 115 के हिसाब से। और फिर डिबेंचर्स 20,000 है, 20,000 है बेटे। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कितनी है, 90 रुपीज। मैं आपसे कह रहा हूं जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद मैं 50/टोटल, फिर इसके लिए जो आएगी वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स अपॉन टोटल, मैं इस तरह से मार्केट वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा और ये वेटेड कॉस्ट ज्यादा बेटर होगी। आइए जरा देखिए, मैंने आपके सामने कुछ लिखा है अपनी बुक्स में पेज नंबर 294, क्वेश्चन 22, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बुक नंबर 1, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बुक नंबर 1, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बुक नंबर 1। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेट्स आर देयर व्हाइल एस्टिमेटिंग वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज द डिसीजन रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट वेट्स एंड द रिलेटिव वेट्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। बेटे मैंने लिखा है बुक वैल्यू वेट्स, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ बुक वैल्यू वेट्स। The weights are said to be book values if the proportion of company's balance sheet represent the proportion of a source of financing in this balance sheet total. इसका मतलब जो balance sheet की values होती हैं, उनको हम book values बोलते हैं। उनके basis पे अगर हम weights calculate करें, तो उसका नाम है book value weighted cost. तो book value weights in calculating this weighted cost or this बेटे इसके फायदे हैं कुछ, बेटे हर चीज के कुछ फायदे होते हैं। पाव भाजी खाएं कुछ फायदे कुछ नुकसान, पिज्जा खाएं कुछ फायदे कुछ नुकसान, क्या बेनिफिट्स हैं? सिंपल कंपटीशन है, हर साल वेट सेम ही रहेंगे, चेंज ही नहीं होंगे। ओनली ऑल्टरनेटिव व्हेन मार्केट डेटा इज नॉट अवेलेबल, जब मार्केट का डाटा अवेलेबल ही नहीं है तो फिर हम ये करेंगे। लेकिन बेटे बेटर वर्जन क्या है, मार्केट वैल्यू वेट्स। मार्केट वैल्यू का मतलब है लेटेस्ट वैल्यूज, आज की वैल्यूज, रियल वैल्यूज। आपको हमेशा प्रेफरेंस रियल वैल्यू मार्केट वैल्यू में देनी चाहिए, ना कि बुक वैल्यू में देनी चाहिए। तो बेटे मसाला बहुत है आपके पास, मैंने कंसेप्ट समझा दिया है, पेपर में आएगा तो आपने केस स्टडी एग्जाम्पल जरूर देकर आना है। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद
आज ये क्लास यहीं पर कंप्लीट करता हूं।